अब आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उदय उर्दू की नई किताब नवी जमात के लिए, इसमें रजब अली बेग सुरूर के बारे में जो 1786 में पैदा हुए और 1869 में इंतकाल हुए। रजब अली बेग सुरूर 1786 में लखनऊ में पैदा हुए, कुछ अरसे बादशाह के दरबार में मुलाजमत की, फिर कानपुर चले गए। वहीं उन्होंने अपनी मशहूर किताब फसाना एजाब 1831 में तसनीफ की यानी लिखी। ये उनकी बहुत मशहूर किताब है। उन्होंने लखनवी तहजीब पेश की, गो के ज़बान मुश्किल और बनावटी है फिर भी रवानी पाई जाती और मुसन्निफ़ की महारत का सबूत दे। फसाने अजायम में एक शहजादा जाने आलम का किस्सा बयान किया है जो अपने घर के एक शहजादी अंजुमन आरा की तलाश में निकलता है और बड़ी तलाश के बाद कामयाब होता है। इस किस्से में और भी छोटे छोटे किस्से निकलते हैं। किताब की किस्से खूबी की वजह से नहीं बल्कि मनतकी इबारत की वजह से पूरी किताब में जुमले और फकरे की हम काफ़ी अल्फाज में लिखी है। अपने तर्ज तहरीर को बरकरार रखने के लिए नए नए अल्फाज बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हैं। आखिरी उसमें उम्र में महाराजा बनारस की मुलाजमत में हुए और वहीं इंतकाल किए। यह किस्सा फसाना अजायब से लिया गया। इसमें दिखाया गया है कि जाने आलम एक जोगी के बताए हुए रास्ते पे चलकर अंजुमन आरा की तलाश करते हैं। जोगी के मरने के बाद उसकी शागिर्द जाने आलम का मेहमान रखते हैं। जाने आलम में ये ताकत है कि वह जानवरों की शक्ल चाहे बन जाता है और अपनी सलाहियत की वजह से अंजुमन आरा की तलाश में कामयाब। इसके बाद देव के बाग में अंजुमन आरा का मिलना, तो ये मुश्किल अल्फाज मानी है, अजम इरादा आशना तैरने वाला वाक़ लेल दरख्शां चमकता हुआ हीरा गुलबन मोहब्बत इश्क गुलाब की झाड़ी परवा इदारा बहता पानी पर बह रहा है अंजुमन आरा बाब मफ्तू खुला हुआ दरवाज़ा रब में शामिल बुरी शक्ल में रफ़ी और शान बड़ी शान महजूस जुदाई छोटे हुए नाते बोलने वाला बिरज मुदर्रा ए नीले आसमान का मतलब बिल्कुल रोए यार आयने दार चूके जाने आए मनकश सोने का काम किया और दरमियान में एक दूसरे से लिपट दरफ तरफा अजीब नया। इसके बाद ये अल्फाज मानी अभी आप देखिए। इसके बाद जो आपने अभी पढ़ा वो पूरी तशरी जो है इसमें है, और आप पढ़ना चाहें तो इसमें देख के आप पढ़ सकते हैं। ये पूरी तशरी यहाँ तक मुकम्मल होती है, क्योंकि बड़ी तशरी अगर मैं इसे पढ़ूँगा क्योंकि मेन चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिए थे, तो आप इसमें गौर करने की बातें जो है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूरी ये मशक और मुताला ये सवाल नंबर ये आपको बागो बहार ज़्यादा मज़ेदार लगी है फसा 10 जुमलों में। बागो बहार की खूबी है कि हर खास और आम बदा रुकावट उसके किस्से में, जबकि फसाना आया है मुश्किल बनावट की वजह से हर आम खास है। खूबियाँ इसकी 10 तो मैंने यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 खूबी, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये सबक नंबर 3 शायद ये रजब अली बेग सुरूर उर्दू का नवाए उर्दू की नई किताब का उम्मीद है पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।